नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन ये कितना लागू है ये तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि आए दिन शराब तस्कर या तो पकड़े जाते हैं या तो शराबी पकड़े जाते हैं। इसी बीच भागलपुर से खबर निकल कर आई है, जहां एक शराबी दिन के उजाले में शराब पीकर अजीबोगरीब बातें कह रहा है। जब उसे पूछा गया कि वो कहां से शराब पीकर आया है, तो वो क्या बोल रहा है वो किसी को समझ में भी नहीं आ रहा है। पहले आप शराबी की बातों को सुनिए, जब वो उसे पूछा गया कि वो कहाँ से शराब पीकर आया है। वो भैया कहीं ले जा रहे हैं भैया। कहाँ? चुतिया। कहाँ जाओगे? चुतिया जा रहे हैं। अरे कहाँ दारू पी के आ रहे हो? दारू कहाँ मिला? ए लड़का, दारू कहाँ मिला? दारू कहाँ से पी के आया? दारू कहाँ से? दारू कहाँ? दारू कौन जगह? कहाँ दारू पिया? कहाँ दारू पिया? अब इतना बता रहे हैं तो आपने शराबी को सुना, अब आप स्थानीय लोगों को भी सुनिए, जब वो शराबबंदी कानून को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। बेहोश हो गया है बेचारा, ये जहरीला दारू ने बंद करके अंग्रेजी बंद किया है, गलत किया है। क्या लग रहा है नीतीश के सरकार में जो भी शराबबंदी है? नीतीश का पार्ट टू है, जहरीला शराब और ज्यादा बिकने लगा। कहाँ ने बिकता है? पिया हुआ है लग रहा है। तभी तो शराबबंदी ने है, कहाँ से मिलता है लोगों को? मतलब लग रहा कि नशा में है। नशा में ही, नशा में बेहोश है तो क्या नहीं बिकता है? शराब? अभी तो शराब बंदी है तो कहीं नहीं है, बोलिए मंगवा दे। अभी शराब मिल रहा है? बिल्कुल, घर में होम डिलीवरी दे देगा। अच्छा, देहात में जाके देखिए, समुचा बाजार में भट्टी चढ़ा हुआ है, पूरा शराब मिल रहा है। पूरा चौकीदार वसूल के थाना में पहुँचा आता है। जी, जो नीतीश जी कह रहे हैं कि शराब बंदी, ये तो बेफालतू वाला बात करता है हमेशा सलाह। तो अपने स्थानीय लोगों को भी सुन लिया, कि जिन्होंने कहा कि शराब की होम डिलीवरी तक उपलब्ध है, आसानी से शराब मिल जा रही है और लोग पी भी रहे हैं। अब आपको एक पूरा खबर बताते हैं कि ये आखिर है कहाँ की। दरअसल ये तस्वीरें जो निकल कर आई है, वो भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र के पौष इलाका विक्रमशिला कॉलोनी का है, जहाँ सुबह एक शराबी शराब के नशे में बेसुध होकर सड़क किनारे पड़ा हुआ था और नशे में बहकी बहकी बातें कर रहा था। नशेबाज की नौटंकी को देखते हुए स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना ततारपुर थाना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शराबी को पानी का छींटा देकर होश में लाने का प्रयास करते हुए किसी तरह पुलिस गाड़ी में बिठाकर उसे थाने ले गए। वहीं स्थानीय लोगों ने भी नीतीश कुमार के पूर्ण शराबबंदी कानून पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि शराब की होम डिलीवरी हो रही है और ऑर्डर देने पर यह पानी से भी पहले मिल जाता है। वहीं जब नशे में धुत शराबी से पूछा गया तो वो बहकी बहकी बातें करने लगा और वो ठीक से ये भी नहीं बता रहा था कि वो शराब कहाँ से पीकर आया है, और जब वो बता रहा था तो लोग समझ भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि तस्वीरें भी आप जानते ही हैं कि बिहार में जो है रोज ये सब तस्वीरें आम हो गई हैं, जहाँ रोज शराब तस्कर पकड़े जाते हैं और शराबी भी पकड़े जाते हैं। पुलिस लाख दावे कर ले और सरकार लाख दावे कर ले कि पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून बिहार में लागू है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं नजर आ रहा है। आपने स्थानीय लोगों को भी सुना, जिन्होंने आप बताया है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन सरकार ने अंग्रेजी शराब बंद कर दिया है, लेकिन जो जहरीली शराब है उस पे तो पाबंदी लगाई ही नहीं, जिसको पीकर लोग बीमार हो रहे हैं, जो लोगों की जानें गंवा रहे हैं, और आसानी से ये जो जहरीली शराब है वो बिहार में उपलब्ध भी हो जा रही है। यहाँ तक भी स्थानीय लोगों ने कहा कि होम डिलीवरी भी शराब की आसानी से उपलब्ध हो जा रही है, जब चाहे घर बैठे मंगवा सकते हैं। आपने ये तस्वीरें पहली बार नहीं देखी, ये इससे पहले भी बिहार के अलग अलग जिलों से ये तस्वीरें आती रही हैं, जब शराबी शराब के नशे में धुत होकर कहीं भी पड़ा मिल जाता है। तो इस विषय में आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले अपने पास पाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर जरूर मैसेज करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।